पिवट टेबल में आज मैं आपको बड़ी कमाल की चीज बताऊंगा। आपने क्या किया, पिवट टेबल में एक रिपोर्ट बनाई। जैसे मैंने सिटी वाइज एक क्वांटिटी का टोटल हमने यहाँ पे लिया, इसकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग वगैरह हमने कर दी, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिख दिया और साथ टोटल तो है और साथ में हमने इसकी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग वगैरह भी आपने इसको कर लिया। इस पे आपने विजुलाइजेशन मतलब कि आपने इस पे चार्ट भी बना लिया और चार्ट की भी एक अच्छी खासी डिजाइन डिजाइन आपने तैयार कर लिया, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट बना, ओवरऑल रिपोर्ट बना ना, मुझे क्या है कि मुझे इसको जोन वाइज बनाना है। एरिया हमने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने यहां से जोन सिलेक्ट किया सेंट्रल, तो ये सेंट्रल का रिपोर्ट है। फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट सिलेक्ट किया तो ईस्ट का है। फिर मैंने सिलेक्ट कर दिया नॉर्थ, ये नॉर्थ का रिपोर्ट है। मैंने सिलेक्ट कर दिया साउथ, तो साउथ का रिपोर्ट है। और सिलेक्ट कर दिया हमने वेस्ट, तो ये आपका वेस्ट का रिपोर्ट, समझे। यस सर। प्रॉब्लम है कि इसको मैंने एक ही सीट पे बना दिया ना। मैं चाहता हूं रिपोर्ट बनाना हर सीट पे अलग अलग, हर सीट पे अलग अलग, राइट। तो कैसे करें, आपको जैसे चार है तो चार अलग अलग पेपर इंसर्ट करेंगे और आप जो है पिवट का पिवट लगाते जाएंगे और फिल्टर लगाते जाएंगे, यही करेंगे ना। लेकिन पिवट टेबल एनालाइज के अंदर यहाँ ऑप्शंस के अंदर में ये देखिए क्या है, सो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, इसमें क्लिक कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग पिवट करना है उसको फिल्टर में रखना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। जो फिल्टर में रखेंगे वही शो करेंगे। और मैं जस्ट एक बार क्लिक करूंगा, क्लिक करते देखिए विथ इन सेकेंड में यहाँ पे हर सीट पे अलग अलग हमें रिपोर्ट दे दिया। लेकिन सर आप बोले थे चार्ट नहीं लगाया, हाँ चार्ट साइट नहीं लगाता है। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार दोबारा करता हूँ। मैंने चार्ट नॉर्मल लिया था, मैंने पिवट चार्ट नहीं लिया था, तो मैं एक चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पिवट चार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पिवट चार्ट एनालिसिस में डिजाइन है, डिजाइन हो गया, फॉर्मेट हो गया, पिवट पे क्लिक कीजिए। हाँ ऑप्शंस शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, नहीं चार्ट नहीं बनाया, आपका पिवट बना। एक क्लिक में आपने देखा जितने आपके फिल्टर्स के डेटा थे सबको इसने अलग अलग बना दिया, समझ में आया आपको। यस सर। विदाउट नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं, इसी में आपको सामने एक आता है गेट पिवट डेटा। अब गेट पिवट डेटा क्या होता है? अच्छा अभी आपने कभी ट्राई किया है इक्वल करके अगर आप बी टू लिखते हो यहाँ पे, जैसे बी फोर लिख दिया तो नॉर्मली बी फोर लिंक हो गया तो बी फोर का डाटा आ गया। लेकिन इक्वल करके अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो गेट पिवट का फॉर्मूला लग जाता है। तो पहले देखते हैं कि आखिर गेट पिवट का फॉर्मूला होता क्या। तो देखिए क्या है कि कल के डेट में मैंने इसको शॉर्ट किया, तो अब सर यहाँ पे शॉर्ट करता हूं मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप देखे यहाँ पे आपका आ रहा है 19। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पुणे का लिखा लुकअप किया रहता तो गलत हो जाता ना, क्योंकि तो पुणे चला गया नीचे। इसी चीज को रोकने के लिए गेट पिवट का फॉर्मूला है। गेट पिवट का फॉर्मूला क्या काम करता है कि पिवट को उसके अकॉर्डिंग लेता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी का खाना है क्योंकि क्वांटिटी का टोटल है,
और A3 से आपका पिवट स्टार्ट है, सिटी में पुणे लेना है। अब तक तो पुणे का नहीं चाहिए मुझे, अब मैं चाहता हूँ मैं जो टाइप थ्रू से चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे पटना लिखता हूँ, पटना, तो पटना का टोटल आ गया MUZ लिखता हूँ तो MUZ का टोटल आ गया, नोएडा लिखता हूँ तो नोएडा का टोटल आ गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पिवट का लुबी लुकअप, समझे, पिवट का लुकअप। तो यहां पिवट टेबल के एनालाइज के अंदर गेट पिवट समझ में आया आपको कि नहीं? आ गया सर समझ। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि अगर आपने इसको अनक्लिक कर दिया तो फिर क्या होगा। अब मैं इक्वल करके क्लिक करूंगा तो गेट पिवट का फॉर्मूला बनेगा ही। तो गेट पिवट का फॉर्मूला कब बनेगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब जो है गेट पिवट का फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और देख लेते क्या क्या चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। सिर्फ हिडर क्लिक करेंगे तो हिडर नहीं दिखेगा, प्लस माइनस साइन होता नहीं दिखेगा, फिल लिस्ट जो फिल लिस्ट है ये नहीं दिखेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ आता है एक्शन जिसे क्लियर। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारे फिल रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि सबको हटा दें, एक एक करके जो यहाँ से अनचेक करेंगे आप ये भी क्लियर ऑल करें, क्लियर हो जाएगा। या फिर आपने फिल्टर लगाया हुआ है, इस एरिया में मैंने फिल्टर लगा दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके एनालाइज के अंदर आप यही पे कर सकते हैं क्लियर फिल्टर, वो फिल्टर क्लियर कर। क्लियर के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट करता है। सबसे पहले आप जब सिलेक्ट करेंगे एंटायर पिवट टेबल तो पूरा पिवट टेबल आपका सिलेक्ट हो गया। लेकिन मिस चेंज करना सिलेक्शन, सिर्फ लेवल एंड वैल्यू देना है तो आपका लेवल एंड वैल्यू आएगा, सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट करना है तो सिर्फ वैल्यू आएगा, लेवल सिलेक्ट करना है तो सिर्फ लेवल आएगा, समझे, ये आपका सिलेक्ट। फिर इसमें आता है मूव पिवट टेबल। इस पिवट टेबल को किसी और सीट पे मूव करना चाहते हैं तो आप मूव पे क्लिक कीजिए, जिस सीट पे करना चाहते हैं उस सीट को सिलेक्ट कीजिए, आपका पिवट टेबल उसी सीट पे मूव हो जाएगा। रिफ्रेश आपको पता ही है कि रिफ्रेश आपको करना है, रिफ्रेश रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। और आपको मैंने फिल्टर्स बता ही दिए थे आपको हमने, और इसमें आपका एक आता है अनग्रुप, अनग्रुप भी मैंने राइट क्लिक के बताया आपको, ग्रुप सिलेक्शन भी होता है इसमें, कब होता है इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोर्स रख दिया, रख दिया, अब इसमें जो है आपका ये आपका ग्रुप सिलेक्शन, इसे ग्रुप नहीं किया हुआ है, ग्रुप किया तो ग्रुप सिलेक्शन करते, इसमें एक चीज और यहाँ पे आएगा आपको एनेबल सिलेक्शन। एनेबल सिलेक्शन क्या हुआ कि मैंने अगर रिमूव कर दिया, ऑलरेडी था, सिलेक्ट हो गया, अब इस पे क्लिक कर दिया मैंने, दिखा आपको कि मैंने इस पे क्लिक, इस तरह कर्सर बना क्लिक किया तो आपका देखिए सिटी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ कोर्स सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन जो है इसके यूज होता है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपको फिल्ड की सेटिंग वगैरह नॉर्मल है जो आप करते राइट क्लिक करके हो गया। ऑप्शन मैंने बता ही दिया मोस्टली आपको, मैंने डिजाइन में भी मैंने आपको मोस्टली सारे चीज बताए दिया था। तो इसमें आप जो है पिवट टेबल में कुछ रखता नहीं। अब बात आती है पावर पिवट टेबल की,